मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं मास्टर कैंप में टर्निंग के ट्यूटोरियल। इसमें हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे रफिंग कर ली, फिनिशिंग भी कर ली, ड्रिलिंग, फेसिंग। लास्ट ट्यूटोरियल हमने बनाया था ग्रूविंग का, ठीक है। अगर इनमें से कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा या कैंट साइकिल के ट्यूटोरियल नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। पहले अगर देख लेंगे तो बहुत इजी रहेगा काम करना। तो आज हमारे को करना है एक थ्रेडिंग का टूल पाथ और एक हमारे को करना है कैंड साइकिल में ग्रूविंग का टूल पाथ। पिछली बार जो ग्रूविंग का टूल पाथ बना है, इसमें मैं दिखा रहा था कि ये जो टूल पाथ बना है ये एक्स वाई जेड और G1 G0 से बना है। इसमें कोई साइकिल का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो साइकिल का यूज़ कैसे करना है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम थ्रेडिंग का टूल पाथ भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू से करते हैं। इस टूल पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम जाते हैं अपने कैंट साइकिल में ग्रूविंग। तो ग्रूविंग में हमने 2 पॉइंट चाहिए हमारे को, तो 2 पॉइंट दे दो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ एंटर। कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। पिछली बार हमने एक ग्रूविंग टूल लिया था, इसको एडिट किया था। अगर नहीं देखा तो पिछले डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो पिछला ट्यूटोरियल। अगर ग्रूविंग के पैरामीटर सेम है, रफिंग के पैरामीटर भी सेम है, फिनिशिंग के पैरामीटर भी सेम है, जैसे बिल्कुल सेम है, कोई बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। एक बस फर्क ये है कि जब मैं इसको ओके करता हूँ तो देखो टूल पाथ तो क्रिएट हो गया, ठीक है। जो भी हमने उसकी वैल्यूज भरी बाय डिफॉल्ट थी, हमने उसी के साथ चला दिया, तो हमारा टूल पाथ तो क्रिएट हो गया। अगर मुझे कुछ भी चेंज करना है इसके अंदर तो मैं यहाँ जाके चेंज कर सकता हूँ कि हमारे को स्टॉक डिस्टेंस कितना चाहिए या हमारे को स्टेप अमाउंट कितनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि देखने में आसानी रहे हमारे को, ठीक है। तो मैंने 3-3 mm का कट लगा दिया, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए लगाया। पहले वाला ज़्यादा ठीक था पर समझने के लिए हमने टाइम बचाने के लिए कट बना दिया। अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे तो भी ये बिल्कुल सेम चलेगा जैसे हमने पहले वाला चलाया था, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले चलाया वैसे ही चलेगा। अब डिफरेंस क्या आया कि आजकल जो नई मशीनें आती हैं उसमें जो ग्रूविंग का टूल पाथ हम बनाते हैं, तो अब मैं इसका अगर प्रोग्राम जनरेट करूं तो ये एज ए कैंड साइकिल यानी ग्रूविंग के लिए एक टूल पाथ अलग से क्रिएट करेगा और उस टूल पाथ में जी कोड यूज करेगा। तो ये देखो इसने यहाँ पे G99 कोड यूज कर दिया और ये देखो पहले वाले प्रोग्राम से ये बहुत छोटा बना है, ठीक है। इसमें ये G75 लगाया है इन्होंने। G75 दो लाइनों में होता है कोड, तो ये G75 अगर समझना है तो हमारा एक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो है जिसमें हमने मैनुअल तरीके से समझा रखा है कि G75 को कैसे यूज़ करना है। ग्रूविंग साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पर भी मिलेगा, प्लेलिस्ट पे जाओगे वहाँ पर भी मिलेगा, तो हमारे को ग्रूविंग साइकिल लगाना आ जाएगा, उसमें हमने डिटेल में समझाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारे को करना है मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ गया। अगर पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और सबके साथ वीडियो शेयर भी करनी है। अगर मान लो मुझे थ्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थ्रेडिंग का भी साइकिल है, ठीक है। तो थ्रेडिंग के लिए वीडियो अलग से बनाते हैं, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, अगली वीडियो ज़रूर देखनी है। सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि हमारे को क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है।
तो सारे ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। जो भी वीडियो देखते हो उसको अपना नाम जरूर लिखना है कि हमने ये वीडियो देखी।